आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कई अलग अलग टॉपिक्स के बारे में देखा। आज के टॉपिक में हम रिलेशनल अलजेब्रा को देखेंगे कि किस किस तरह से अलजेब्रा का यूज करके रिलेशन बनाए गए हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा को। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी भाषा मीन्स प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। यह क्वेरी का परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। मीन्स कदम दर कदम लिखा है इसमें, लेकिन इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप का इस्तेमाल करता है। यह प्रश्नों को करने के लिए ऑपरेटर्स का उपयोग करता है। मीन्स अगर किसी प्रकार के क्वेरी से सॉल्यूशन को निकालना है तो जिसके लिए ऑपरेटर्स का उपयोग करता है। मीन्स क्वेश्चनिंग के लिए ऑपरेटर्स का प्रयोग करता है। ये या तो यूनरी या बाइनरी हो सकते हैं। वे संबंधों को अपने इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और उत्पादन के रूप में संबंधों को उपजता है मीन्स आउटपुट देता है। रिलेशनल अलजेब्रा को एक संबंध पर पुनरावर्ती रूप से किया जाता है और मध्यवर्ती परिणामों को भी संबंध माना जाता है। इनके मध्य किस तरह का संबंध बनाया जा रहा है, किस तरह से इसे प्रयोग किया जा रहा है, ये इसके अंतर्गत आता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेशनल अलजेब्रा के पहले भाग में चलते हैं हम। रिलेशनल अलजेब्रा की मूलभूत संरचना इस प्रकार है। इसके अंतर्गत सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, रीनेम आता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेलेक्ट ऑपरेटर। सेलेक्ट ऑपरेशन यहाँ सिग्मा के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। यह टपल का चयन करता है जो कि किसी रिलेशन में दिए गए विधेय को संतुष्ट करता है। मीन्स ये रिलेशन किस तरह से बनाया गया है, इसके विधेय को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये सिग्मा बना सिग्मा पी आर, ये इसका नोटेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में प्रोजेक्ट ऑपरेशन में यह कॉलम को प्रोजेक्ट करता है, किसी कॉलम विशेष के लिए काम करता है जो कि दिए गए विधेय को संतुष्ट करता है। मीन्स किसी कॉलम विशेष के लिए काम करता है और दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इसे संतुष्ट करने का कार्य करता है। जैसे नोटेशन में ये वन ए टू और एन और रिलेशन है, ये इस तरह से रिलेशन आपको बनाया गया है जहां ए वन ए टू ए एन ये संबंध है, रिलेशन है एट्रीब्यूट्स नेम की, ये मतलब एक तरह से एट्रीब्यूट्स के नेम है जिसको यहाँ रोटेशन के रूप में दिखाया, नोटेशन के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर का यूज किया जाता है मुख्य रूप से ये दो डेटाबेस में संबंध या रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। बाइनरी यूनियन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है और इस प्रकार इसे परिभाषित किया जाता है जैसा कि सामने दिया हुआ है। आर और यू, आर यूनियन यू सॉरी आर यूनियन एस दिया हुआ है जिसमें आर और एस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जिसमें से कॉमन एलिमेंट्स के अलावा भी जितने एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एक साथ दिए जाएंगे। नोटेशन इस तरह से दिया गया है। इसमें संबंधित जितने भी रिजल्ट होंगे यानी डाटाबेस होंगे ये सारे के सारे डाटाबेस एक साथ आ जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है डिफरेंस। डिफरेंस का यूज सेट डिफरेंट डिफरेंस ऑपरेशन का परिणाम टपल है जो एक संबंध में मौजूद है लेकिन दूसरे संबंध में नहीं है। मीन्स बोलने का मतलब यह है कि अगर पहले जैसे R माइनस एस दिया हुआ है नोटेशन के अंतर्गत, अगर R में जो एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स S में हैं, तो R को मेन मानते हुए कि R में होना चाहिए वो एलिमेंट, R को मेन मानते हुए S तक ले जाया जाता है कि S R से S में जो जो एलिमेंट्स से सेम मिलते हैं वो सारे कट हो जाते हैं और बचे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ R के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अलग अलग संबंधों की जानकारी को एक में जोड़ता है। मीन्स अगर दो संबंध हैं जिनमें इनटू किया जा रहा है तो इनमें एलिमेंट्स को ये इनटू करते हुए एक साथ जोड़ के दे देगा रिजल्ट। मीन्स कॉमन एलिमेंट्स को
एक साथ रखेगा और उसके अलावा भी जितने एलिमेंट्स होंगे उनको भी एक साथ रख के ये रिजल्ट देने का कार्य करेगा। नेक्स्ट आता है रिनेम ऑपरेशन। रिनेम ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा के परिणाम ही संबंध है, लेकिन बिना किसी नाम के। यहाँ किसी प्रकार से नाम के बिना संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। रिलेशनल ऑपरेशन में हम आउटपुट रिलेशन का नाम बदलने की अनुमति देता है, मीन्स अगर ऑपरेशन में किसी नाम को बदलना है तो उस नाम को बदलने का यहाँ ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज हमने देखा रिलेशनल एल्जेब्रा के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।